मसूरी में नाग मंदिर निर्माण के बाद गांव वालों ने मूर्ति स्थापना और पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया जो 3 मई तक चलेगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ने पहुंचकर दर्शन किए। इसके साथ ही गांव के लोगों की समस्याओं को भी सुना। मसूरी के तुनीटा गांव में 24 अप्रैल से 30 मई तक नाग मंदिर में मूर्ति स्थापना और पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्राचीन मंदिर की मान्यता है कि यहां पर मांगी गई मन्नत पूरी होती है, जिससे दूर दूर से लोग नाग देवता के दर्शन करने आते हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में धनोल्टी के विधायक प्रीतम पवार भी पहुंचे, जिनका गांव वालों ने जोरदार स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए। वहीं इस मंदिर की विशेषता बताते हुए विधायक ने कहा कि नाग देवता की बहुत मान्यता है और ग्रामवासियों के मांग पत्र में जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष सुनील रौछेला ने कहा कि मंदिर का निर्माण सभी लोगों के सहयोग से किया गया है और इसमें एक समिति भी गठित की गई है जो मंदिर की देखरेख कर रही है। देखिए, यहाँ नाग देवता का बहुत भव्य मंदिर बना है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और तमाम ग्रामवासियों ने मुझे भी यहाँ पर आने का जो अवसर दिया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित तौर पर इनकी मेहनत से ये मंदिर बना है और आस्था का जो ये केंद्र है, इससे कहीं ना कहीं सब में उत्साह आज देखने को मिल रहा है। और इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं निश्चित तौर पर उनके समाधान के लिए भी मेरे पास लोगों ने कहा है, उसका समाधान धीरे धीरे हम लोग करेंगे। देखिए, ये मंदिर का निर्माण सभी लोगों की सहमति से हुआ है और एक समिति का गठन किया गया है और सभी लोगों द्वारा थोड़ा थोड़ा सहयोग किया गया है, जो जिसका जितना सामर्थ्य था उन्होंने अपनी तरफ से करके और बिना किसी सरकारी धन के ये मंदिर का निर्माण हमने किया है और आज जो है इसका मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।